प्रश्न नंबर एक, 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे अपनी पटरी में से, कितनी ए बी, ये कितनी सेंटीमीटर रेखा खींचेगी हमारी, 6 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं 6 सेंटीमीटर पटरी प्रकार की सहायता से 2 बराबर भाग करने हैं, कितने भाग करने हैं इसके, 2 बराबर भाग। तो वो भी किसकी सहायता, प्रकार और पटरी की सहायता से। तो प्रकार और पटरी की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी को, क्या ए को केंद्र मान ले या बी को केंद्र मान ले। मान लो बी को केंद्र मानकर हमें यहाँ पर प्रकार से आधे से ज्यादा दूरी लेनी है, ये मतलब ये जो 6 सेंटीमीटर दूरी है, आधे से ज्यादा दूरी की चाप लगाना है, आधे से ज्यादा दूरी का एक चाप लगाना है। और जो जितना चाप लगा दिया उतना ही चाप इधर से भी भरा, पहले बी को केंद्र माना फिर अब ए को केंद्र मान ले, और जो चाप भरा था उससे दोबारा इसे चाप लगा दे। ये जो चाप जहां पर कटे इनको आपस में मिला दे, तो ये जो हमारी दूरी होगी ओ केंद्र, ये 6 सेंटीमीटर का 2 बराबर भाग हो गए यहाँ पर। ये जो यहाँ पर जो कटान बिंदु से जो आपस में पटरी के रख कर मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो आता है ये हमारे 6 सेंटीमीटर के 2 बराबर भाग हो गए। प्रश्न नंबर 2, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है अपने अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी पहले हम प्रकार मतलब पटरी से 3 सेंटीमीटर खींच दें, फिर हम इसको प्रकार में दूरी भरकर और हम वृत्त तैयार करते हैं। फिर क्या करना है हमको, इसमें 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचे। जीवा उसको कहते हैं जैसे कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि पर 2 जगह से जो छुए, ये क्या है जीवा, चाहे इधर को खींच दे, क्या है जीवा। तो हमको इसमें 2 जीवाएं खींचनी, कौन कौन सी, ए बी और सी डी खींचिए, जो आपस में समांतर ना हो। समांतर कहते हैं ये, जैसे ये रेखा है, समान अंतर हो उसे समांतर कहते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, समांतर ना हो। तो हम मान लो खींच देते हैं, मान लो ये खींच दिया ए बी, ए बी, और एक सी डी खींचना है तो ये इधर को खींच दे मान लो, क्योंकि समांतर नहीं, ये समांतर रेखाएं है। देखो ये क्या है, कैसी है, असमांतर, और ये क्या है समांतर। तो इसमें क्या कह रहा है, आपस में समांतर ना हो। तो हमारी एक ए बी और सी डी, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए। लंब समद्विभाजक मतलब, समद्विभाजक मतलब समान 2 बराबर भाग करना है, और लंब खींचना है यानी 90 अंश। तो इसके हम ए बी के दोनों की खींचते पहले, तो इसका खींचेंगे तो प्रक्रिया होती है, बी को केंद्र मानकर आधे से ज्यादा चाप लगाए, फिर वही चाप ए से केंद्र मानकर चाप लगा दें, ये हमारा ये जो पॉइंट 2 बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समद्विभाजक हो जाएगा। और फिर लंब के लिए हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देंगे और ये बढ़ा देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे, सी को केंद्र मान ले, डी को केंद्र मान ले, किसी को भी केंद्र मान ले। मान लो पहले डी को मान लिया, तो सी का एक चाप लगा दें इधर, और जब सी को केंद्र मान लेंगे तो ये डी का, ये जो पॉइंट काटेंगे ये समद्विभाजक होगा, फिर इसको 90 अंश बना दें, तो ये हमारा कहाँ पर मिलेगा, केंद्र ओ पर मिलेगा। ठीक, पूछ रहा है समद्विभाजक, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं, ओ यानी केंद्र पर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो सबसे पहले तो हम पटरी प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, ए बी, 8 सेंटीमीटर की माप की रेखाखंड खींचिए। अब कितने बराबर भाग करने हैं, 4, तो क्या करते हैं, ए को एक न्यून कोण बना दें, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, ये हमारा न्यून कोण तैयार हो गया। अब देखते हैं कितने बराबर भाग करने हैं, 4, तो 4 बराबर भाग करने हैं, तो किसी भी नाप के, ये जो न्यून कोण रेखा खींची गई, किसी भी नाप के 4 चाप लगा दें, 1, 2, किसी भी नाप के समान, किसी भी नाप के समान 4 चाप लगा दें, 1, 2, 3, 4, M1, M2, M3, M4, 4 चाप लगा दें। फिर करेंगे जो लास्ट चाप है उसको लास्ट बिंदु से मिला दें, बी। अब क्या करते हैं, इसके समांतर M3 से रेखा खींच दें, ठीक,
यम टू से रेखा खींच दें, यम वन से रेखा खींच दें। ये हमारे ए बी के चार बराबर भाग हो गए। पहला भाग ये वाला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। आप सेट स्क्वायर की मदद से मतलब समांतर रेखाएं खींच लेंगे। देखेंगे क्या करेंगे, एक कोण न्यून कोण बनाएंगे, फिर चार समान चाप लगा दें। कोई नाप नहीं लेनी है, बस चार चाप लगा दें, लास्ट को लास्ट को मिला दें, फिर इसके समांतर रेखाएं खींच दें, हमारे चार बराबर भाग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर चार, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो पहले तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे और फिर इसका एक वृत्त खींच देंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, वृत्त पर एक जीवा खींचे। पहले बात तो एक जीवा खींचना है, तो जीवा मान लो हम खींच देते हैं कहीं भी खींच दें। ये जीवा खींच दी हमने ए बी। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो इस जीवा के मध्य बिंदु की दूरी नापना है हमको, तो पहले तो इसको मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए अर्धक कर दें। अर्धक करने का तरीका वही, आधे से ज्यादा दूरी लेकर चाप लगा दें, फिर वही चाप इधर से कर दें। ये हमारा ठीक। तो ये हमको दूरी नाप कर लिखना है। अब ध्यान रखते हैं, ये केंद्र की, ये जो मध्य बिंदु है और ये जो केंद्र, ये एक ही रेखा पर जाएगा ठीक। अगर क्वेश्चन कह रहा है मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात करिए, तो केंद्र और इसके मध्य बिंदु की दूरी माप कर हमको ज्ञात करना है। इसका आंसर फिक्स नहीं होगा। कोई स्टूडेंट लिखेगा तो वो जीवा मान लो यहाँ पर बनाता है, इतनी छोटी जीवा ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर भी देखिए इसका मध्य बिंदु ही है ठीक। तो अब ये इसकी केंद्र और इस जीवा के मध्य बिंदु की दूरी ये बढ़ जाती ठीक। या मान लो कोई जीवा यहाँ पर बना दे, तो ध्यान रखिए इसका माप आंसर फिक्स कोई नहीं होगा। अपनी कापी पेन में नाप लेंगे, जितना भी आ जाए वही हमारा आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए पी क्यू, कितना 4 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं इसका लंबार्धक कीजिए। लंबार्धक मतलब अर्धक करना है और लंब खींचना है। लंब मतलब 90 अंश का बनाना और अर्धक करना है। तो अर्धक करने का तरीका वही, आधे से ज्यादा दूरी, फिर वही चाप इधर से, और ये हमारा अर्धक हो गया। अब लंब खींचना है यानी ऊपर को बढ़ा देंगे। लंबार्धक कीजिए जो पी क्यू को डी बिंदु पर काटता है। ये कौन सा बिंदु है? डी बिंदु पर काटे। क्या पी डी बराबर क्यू डी? क्या पी डी बराबर क्यू डी? पी डी बराबर क्यू डी, हाँ बराबर है। देखिए पी डी ये वाली और ये, जब इसको नापेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि वो तरीका होता है रेखा को समद्विभाजित यानी बराबर विभाग। फिर कह रहा पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए यानी ये पी और डी, इसको त्रिज्या मान लें और इसको वृत्त खींच दें प्रकार से ठीक। फिर कह रहा है पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और देखिए क्या यह वृत्त पी और क्यू से होकर जा रहा है। पी और क्यू से होकर जा रहा है, हाँ होकर जा रहा है, क्योंकि देखिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर जब चाप भरेंगे तो 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर यानी पी और क्यू बिंदु से ही होकर जाएगा। प्रश्न नंबर 6, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका सममित अक्ष खींचे। अब सममित अक्ष देखिए होता क्या, सम मीन्स बराबर, मित मीन्स मतलब सेप आकृत, सम आकृत बराबर आकृत, ओ रेखा अक्ष मतलब अक्ष मीन्स होता रेखा, ओ रेखा जो किसी भी चित्र को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे कहते हैं सममित अक्ष। एग्जाम्पल स्वरूप मान लेते हैं ये त्रिभुज है ठीक, तो इसमें कौन सी एक रेखा मतलब सममित अक्ष खींचना है मान लो इसका, तो हम ये रेखा जो है सममित अक्ष होगी। देखो ये फिगर को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो हम इसका सममित अक्ष हो जाएगा बिल्कुल 6.4 है यानी 3.2 नाप देंगे और इसको सममित अक्ष खींच लेंगे। ये हमारा सममित अक्ष
तैयार हो गया। अभ्यास 4A द एंड। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।